हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही भयंकर डाउट को लेके और एक ऐसी मार्कशीट को लेके जो आजकल इंटरनेट पे घूमे जा रही है। इंटरनेट पे आप लोग आजकल एक मार्कशीट देख रहे हैं जिसमें सर आपको दिखाया गया है कि सर 64 मार्क्स को कट करके 56 कर दिए, या उस बंदे की एग्जेम्पशन आ रही थी और सर उसे एग्जेम्पशन नहीं दी, फिर उसको नंबर कट करके कम कर दिए। सर, डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर। आपको सिर्फ उसकी फ्रंट शीट ही दिखाई जा रही है, अंदर क्या हुआ ये तो पता ही नहीं। क्या पता उस बच्चे के मार्क्स पहले गलती से ज़्यादा दे दिए गए हों और बाद में कट कर दिए हों। दूसरी बात, ये काम कर कौन रहा है? अच्छा, इसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कौन कर रहा है? कुछ बेकार के लोग जिन्हें सिर्फ अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए ताकि आप उनके आसपास दी हुई एड्स पर क्लिक करें और वो पैसे कमाएं। अब आप ये सोचो कि सर ये नेगेटिविटी आपके अंदर कैसे भरी जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। बी वेरी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता। आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ। अच्छा, बाई चांस आपको कुछ पीछे से गानों की आवाज़ आ रही है तो ये मेरे घर के आसपास जो फार्म हाउसेज है ना, वहाँ पे ये हट जाता हूँ पाछे ने, शादियाँ हो रही हैं सर, शादियों का सीज़न है तो बहुत सारे गाने बज रहे हैं। एनीवेज, अब एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सर। रिजल्ट में मार्क्स हमेशा बढ़ते हैं। अगर आपने प्लीज़ अगर आपका एक्सपीरियंस वैसा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पेपर में कुछ और मार्क्स होंगे, आपकी मार्कशीट में उससे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। मैंने अभी तक ऐसा ही देखा है, ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि आपके एग्ज़ाम में आपको कम मार्क्स मिले हुए हैं लेकिन आपके पेपर, आपकी जो मार्कशीट है उसमें ज़्यादा नंबर मिले। इसके लिए तो कोई नहीं रोता, ये वाली मार्कशीट तो सर्कुलेट नहीं की जा रही। अरे भाई, दुनिया नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में है। तो ए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके जाना बंद कर दो। फेसबुक पे अगर आपको ऐसा लिंक दिखता है उसे ब्लॉक कर दो, कम्प्लीटली ब्लॉक कर दो। कोई भी ऐसे लिंक्स को आगे फॉरवर्ड या शेयर ना करे अगर नेगेटिविटी हटानी है तो। बी सर, मैं आपको खुद मैं बोल रहा हूँ सर, मैं एज अ टीचर मैंने कितने पेपर्स देखे होंगे, आपको शायद पता भी नहीं है कितने पेपर्स को मैंने एनालाइज़ किया होगा। मैंने खुद देखा है सर कि भाई आपके मार्कशीट में नंबर ज़्यादा होते हैं जितने आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं उससे, राइट। और प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप पहले इसको, भाई चांस आप वही व्यक्ति हो जिसकी वो फ्रंट पेज घुमाए जा रहे हैं, तो यार आप सामने आके बताओ ना क्या हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर ऐसे ज़बरदस्ती नंबर काट दियो। कुछ लॉजिक रहा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर लॉजिक चाहोगा। और मैं कहता हूँ कुछ लॉजिक नहीं था, अबे भाई किसी ने वो पेपर शीट उठाई और उसको ना ज़बरदस्ती ऐसा कर दिया कि चलो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आतंक मचाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बताओ, नो ऑथेंटिसिटी, नथिंग, और हम लोग उसे फॉरवर्ड करे जा रहे हैं, शेयर करे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट की बुराइयां करे जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर क्या वीकनेस मुझे लगती है, माय पॉइंट कि अगर एग्ज़ाम चेकिंग में क्या वीकनेस है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस कि सर नंबर कटते हैं, ऐसे बेकार के नंबर काटे जाते हैं, 60 के 54 कर दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो गाइज, स्टे वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द वर्कशॉप ऑफ माइंड एंड देन इन रियलिटी। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो पहले अपने माइंड में आप एग्जाम पास करेंगे, तभी आप रियलिटी में अपना एग्जाम पास करेंगे। आई होप मैं मैसेज बहुत अच्छे से आपको कन्वे कर पाया। एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस, शेयर दिस, एंड प्लीज़ पॉजिटिविटी बांटो, नेगेटिविटी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।